ये लोग क्या क्या बातें करते थे, कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है, यहां खनन माफिया भी बेलगाम चल रहा है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर जूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर वन बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। साथियों, पंजाब वीरों की धरती है, पंजाब शौर्य की धरती है, पंजाब पराक्रम की धरती है, पंजाब पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था, हिंदुस्तान के हर सैनिक का अपमान था।